वेलकम बैक बैक बेंचर्स। और आज के टॉपिक होने वाला है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। वैसे तो हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, जैसे लेंस, टाइम, मास। अब उनको नापने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जो कि ये सारे हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, वैसे ये टॉपिक प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, लेकिन कुछ टीचर्स फर्स्ट टर्म में ये टॉपिक इंक्लूड कर दे तो हम कुछ कीवर्ड्स के जरिए सब के सब टॉपिक इस एक ही लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। आपको बस वो कीवर्ड्स कुछ याद रखने। ठीक है, ओके। अब जिस तरह फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास लेंथ, तो उसको नापने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, मीटर रूल। तो सबसे पहले आपने सब में जितनी भी क्वांटिटीज है उसमें ना आपने ना यूज का बताना कि भाई साहब ये यूज क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मीटर रूल इससे यूज होता है कि हम लेंथ नाप सके। अगर मैंने इस बोर्ड की लेंथ नापने तो मैं एक मीटर रूल ले लूंगा। ठीक है, तो उससे मैं क्या कर लूंगा, इसकी लेंथ नाप लूंगा, सिंपल। ओके, अच्छा, फिर हर एक में आपने कोई चीज बतानी है, यूज बताना है। ठीक है, उसके बाद आपने लीस्ट काउंट लाजमी बताना है। लीस्ट काउंट ये कीवर्ड है, ठीक है, ये याद रखें। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब है कि वो कितना बारीक हमें जो है ना चीज नाप के दे सकता है। ठीक है, अब जिस तरह वर्नियर कैलिपर है, ये क्यों यूज हो रहा है, पहले यूज बताओ इसका। यूज ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बार दफा हमें अगर ये बॉल जिस तरह है, इस बॉल का अगर मैंने डायमीटर लेना हो, ये बीच वाला हिस्सा, तो मैं स्केल से भी ले सकता हूं, लेकिन स्केल से मेरे पास इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। उसकी वजह क्योंकि इसका लीस्ट काउंट मेरे पास 0.05 मिलीमीटर है। ठीक है, जबकि मेरे पास मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है, तो क्योंकि ये इससे भी लेस है, तो ये उससे भी प्रिसाइज वैल्यू दे सकता है। और दूसरा, इसका जो डिजाइन हुआ है वर्नियर कैलिपर का, वो इस तरह हुआ है कि हम इजीली इस बॉल को उसके अंदर फिक्स करके इसकी इजीली हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जबकि स्केल में हम इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं ला सकते। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्क्रू गेज है, वो भी किस लिए यूज होता है, वो भी डायमीटर्स वगैरह के लिए यूज हो रहा होता है अक्सर। ठीक है, और इसका जो लीस्ट काउंट है, जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है। ठीक है, इसका मतलब ये उससे भी बारीक चीज नाप सकता है, ये बाल का भी डायमीटर आपको बता सकता है कि वो कितना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, वो बल्कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि स्क्यू गेज क्यों ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देता है, प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट, तो वो इसलिए ज्यादा एक्यूरेट दे सकता है क्योंकि उसका जो लीस्ट काउंट है वो वर्नियर कैलिपर से भी कम है, तो इसलिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजिकल बैलेंस। ज़ाहिर है, अगर आप मैस है, अगर आप दुकान पे जा रहे हो, प्याज ले रहे हो, आलू ले रहे हो, तो उसको नापने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए होगा इंस्ट्रूमेंट, तो उसके लिए फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं। अभी एक एनालिटिकल होता है, ये डिजिटल है, जो डिजिटल है ना, ये ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू दे सकता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू एनालिटिकल बैलेंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टॉपवॉच। अब स्टॉपवॉच तो आप तराजू पे नहीं नापोगे, अब हमारे पास आ जाता है टाइम। अब आप टाइम जो है वो तराजू पे तो नहीं नापोगे ना, जाहिर सी बात है वो स्टॉपवॉच पे नापोगे। उस पर हमारे पास पड़ा हुआ है एक एनालॉग और एक डिजिटल पड़ा हुआ है। अब ये जो एनालॉग होता है ना, ये हमें वैल्यू देता है कंटिन्यूस फॉर्म में। ठीक है, और जबकि जो डिजिटल होता है ना, वो हमें डिस्क्रीट फॉर्म में वैल्यू देता है। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब होता है 1 के बाद डायरेक्ट 1.1 आए, फिर 1.2 आए और सो ऑन। डिस्क्रीट का मतलब होता है 1 के बाद जंप कर दिया 2 पे और 2 के बाद 3 पे। तो ये बात भी याद रखें, ये भी इंक्लूड आप कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, और मेजरिंग सिलेंडर लिक्विड नापने के लिए यूज होता है। ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं हम, जब भी हमने लिक्विड को मेजर करना हो तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसका भी लीस्ट काउंट होगा, बिल्कुल है। इसका जो लीस्ट काउंट है वो मेरे पास है 1, इसका मैं यहां लिख देता हूं, लीस्ट काउंट है हमारे पास 1 cm³। ओके, मेजरिंग सिलेंडर का। अच्छा, मेजरिंग सिलेंडर से हम किसी भी चीज का वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हैं, ये वॉल्यूम निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो अगर एक इररेगुलर शेप आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो, अगर कोई चकोर ऑब्जेक्ट पड़ा हो, लेट्स सपोज कोई भी क्यूब पड़ा हुआ है, उसका तो हम वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेकिन अगर आपके पास एक इररेगुलर शेप जिससे ढक्कन है, ठीक है, या ये मार्कर, अगर मैंने इसका वॉल्यूम निकालना हो, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इसी मेजरिंग सिलेंडर का यूज करते हुए मैं इस मेजरिंग सिलेंडर में क्या कर दूंगा, पहले पानी फिल करूंगा और रीडिंग देख लूंगा। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास रीडिंग आ जाती है 50, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, लेट कर लिया मैंने। ठीक है, लेट कर लेते, हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई। ठीक है, आपने इसको रीड नोट डाउन कर लेना, फिर मैं इस मार्कर को उस सिलेंडर के अंदर क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। जब मैं इसको डालूंगा तो जाहिर सी बात है पानी का जो लेवल होगा, पानी पहले डालना है उस पर, पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा। जितना पानी का लेवल ऊपर होगा, लेट्स सपोज 50 के बाद मुझे रीडिंग मिलती है 60 cm³ की, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से इसको माइनस कर दो, 10 आ जाएगा। वो जो 10 cm³ आ गया ना मेरे पास,
वो इस मार्कल का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। होपफुली आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। #peaceout